आज फ्रैक्शन का हम डिवीजन पढ़ेंगे, राइट। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, राइट। यस फ्रेंड्स, इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, 4/7 दिया है आपको और डिवीजन है तो डिवाइड कैसे ही देगा, 21/28 दे देगा, राइट। तो इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन की, जैसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो डिवीजन भी आ जाएगा। बस इसमें क्या करना है, डिवीजन जो आपका राइट साइड का फ्रैक्शन होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब ये है, साइन का रेसिप्रोकल पहले करेंगे तो साइन डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो गया, फिर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे तो 28/21 होगा, रेसिप्रोकल होगा। 7 से 28 को डिवाइड कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 को डिवाइड कर देंगे और अपॉन 21 कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा 16 होगा और ये हमारा 21 होगा। सेपरेटर का साइन लग गया, अब ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन थे, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, राइट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब सपोज करो मान लो रेसोर्स यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 दिया, यहाँ 2 दिया, इस तरह से दिया। तो पहला जो वर्क है हमारे डिस्टेंस, पहला डबल स्टेप होगा, हमें पहले साइन चेंज करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रेसिप ऊपर हो गया। फर्स्ट स्टेप आपने सीख लिया। अब इसको के डिस्टेंस मल्टीप्लाई तो हम कर नहीं पाएंगे, सॉरी डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि डिवाइड के लिए डिवाइड होना जरूरी है। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, से न्यूमरेटर को, यहाँ पे डिवाइड नहीं होने वाला, तो हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 14 आ गया और डिस्टेंस ये हमारा 15 आ गया। अब ये हमारा डिस्टेंस जो फ्रैक्शन मिल रहा है ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही आंसर भी हो जाएगा, राइट। ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। और लेते हैं, अब यहां पे आपने देखा एक बहुत अच्छी चीज लर्न करने को आपको मिला, सीखने को, कि यहां पे कोई नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, तो जब भी डिवाइड नहीं होगा तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में आप जाएगा आंसर, इंटू मैंने कर दिया आंसर हमें मिल गया, राइट। अब आपके पेपर में तो कुछ बड़ा नंबर देगा इस तरीके से, इस तरह से देखिए छोटा समझने के लिए ना, तो यहाँ पे भी वही रूल होगा, रूल तो आपका सेम रहेगा, ये 45/25 हो जाएगा, 15 से 45 को डिवाइड कर देंगे, 15 से 45 को डिवाइड करेंगे डिस्टेंस, थीटा में डिवाइड होगा। अब ये नंबर कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो 104/3 अपॉन 25 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे 12 आ जाएगा, 825 हो जाएगा। अब ये नंबर डिस्टेंस कटने वाला नहीं है और इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर हमेशा मैक्स में चेंज होता है, तो कर लेते हैं 25 312 डिवाइड करते हैं 25 से डिस्टेंस, तो कुछ हमारा इस तरह से आएगा, फर्स्ट स्टेप में जाएगा 6 होगा, यहाँ कट हो जाएगा 2 आएगा, यहाँ 50 होगा, ये हमारा 2 आएगा, ये 1 हो जाएगा डिस्टेंस, ये हमारा 1 हुआ, ये हमारा 2 हुआ,
ये सुन, ये 12 हो जाएगा हमारे इधर, और इधर भी 12 हो जाएगा, और यहाँ 25 हो जाएगा। आपको लास्ट मतलब लास्ट स्टेज तक लिखना है, ले जाना है, तो इम्प्रॉपर है तो लास्ट से इसका मिक्स है, राइट। और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ये सिंपल था, थोड़ा इससे और बड़ा लेते हैं। डिफिकल्ट जिसे बोलते हैं 35 1 50 60 1 70। अब दिया सर, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस फ्रैक्शन को हमें लिखना पड़ेगा, साइन का ऑपोजिट करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना होगा, जीरो से जीरो कट कर देंगे, राइट। अब इन दोनों को हम कट कर देंगे 5 6 7 टाइम में, वैसे कट कर देंगे 8 टाइम में। अब 7 कोई नंबर कटेगा नहीं, तो 7 से 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 8 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे ये हमारा 49 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस हमारा ये जो होगा 48 हो जाएगा। अब मिक्स में चेंज कर लेते हैं तो कुछ हमारा इस तरह से आएगा, राइट। और बड़ा लेके इस तरीके से छोटा कर देते हैं, आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। अब ये फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला हमारे स्टेप है लेफ्ट वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिख देते हैं, साइन हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा, और ये हमारा फ्रैक्शन राइट साइड का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, रेसिप्रोकल हो गया, राइट। 7 से 28 कट जाएगा, फोर टाइम में 4 से 21 कटेगा नहीं, यहाँ जैसे हमारा 15 है, ये भी कटने वाला नहीं है, 21 दोनों नहीं कटने वाला। अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 हो जाएगा, ये नहीं होगा, अब नहीं कटेगा, तो हम सिंपली न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिए 115 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 22 जाएगा, 2 कैरी 4 2 6 हो जाएगा, और ये हमारा जैसे 4 6 0 हो गया, और अपन 21 कर देंगे। अभी कटेगा तो काटते हैं जैसा, ये कटेगा नहीं इसीलिए इसको डेस्टिनेशन कर लेंगे, 4 6 0 2 1 से डेस्टिनेशन कर लेंगे, तो ये 42 हो जाएगा, कट हो गया, ये 4 बाय 0 हो गया, जो नंबर आपका दिख रहा है यहाँ पे 2 टाइम है और ये 1 टाइम है, कुछ इस तरह से 21 होल 19 अपॉन 21 आंसर हमारा कुछ इस तरह से आएगा, राइट। इसके बाद सिंपलीफिकेशन पढ़ेंगे, सिंपलीफिकेशन का मतलब ये हो गया कि प्लस माइनस में
सिंप्लीफिकेशन जो होगा कुछ हमारा इस तरह से होगा, मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल कर दो, साइन हमारा रेसिप्रोकल होगा, फिर फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगा, राइट। अब फिर ये देखिए तीनों से मल्टीप्लाई निकाल आ गया, अब कौन नंबर किससे कटेगा इसको समझते हैं। तो 5 से 15 कट जाएगा 3 टाइम में, राइट। 7 से 35 5 टाइम में कटा, 4 से 28 6 टाइम में, राइट। 3 से 6 कटा 2 टाइम में, अब ऊपर जैसे बचा 1 into 5 upon 2, ये 5.2 आ गया, राइट। डिफरेंस 5.2 को हम मिक्स में चेंज कर देंगे, 2 whole 1/2 हो जाएगा, राइट। ये हमारा पहला सिंप्लीफिकेशन था। अब दूसरा और बड़ा ले लेते हैं, कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आप एलजीबी लिख लोगे और ये हमारा 144 है, 144 की एलजीबी लिखेंगे अपॉन 41 हो जाएगा, यहाँ रेसिप्रोकल कर देंगे साइन रेसिप्रोकल, तो नंबर रेसिप्रोकल। अब देयर्स 41 से 41 कट गया 1 टाइम में, 72 से ही कट जाएगा 2 टाइम में, राइट। अब कोई नंबर कट नहीं रहा तो 2 into 73 कर लेंगे और ये 23 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा 6 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे डिस्टेंस हमारा 14 हो जाएगा, ये हमारा 23 हो जाएगा, राइट। डिवाइड करते हैं 146 राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड करेंगे इसको 23 को 8 टाइम में, डिस्टेंस 32 होगा, 16 और 2 18 हो जाएगा, लेकिन हमारा बड़ा हो गया ये नहीं कर सकता, 23 को छोटा कर देते हैं 21 और ये 15 हो जाएगा, ये भी बड़ा हो गया, 23 को थोड़ा और छोटा करते हैं 6, ये 18 हो जाएगा 6 और 1 12 1 13 हो जाएगा, 1 3 8 हो गया हमारा 6 टाइम, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 से 08 यहाँ 3 कट 3 कट। अब रेशन हमारा इस तरह से आ जाएगी 6 whole 8 upon 23। Yes friends, आज जो आपको आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाया आपको उस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन का डिवीजन सीखे, राइट। उस टॉपिक को आपने अच्छे से समझा, राइट, कैसे किसी दो फ्रैक्शन को आप डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अब देखिए आज का होमवर्क इसी पे रहेगा, ओके, थैंक यू।